नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में आप तीन ऐसी खबरें सुनेंगे जिन्हें देखकर आप रोमांचित होंगे, खुश होंगे कि हाँ अपना भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और दुनिया किस तरह से भारत से जल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि भारत ने एक ऐसा शस्त्र बना लिया है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है जिसे अभी तक दुनिया में कोई नहीं बना पाया। ये हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन खबर यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। यहीं पे तीन खबरें हम आपको सुनाने वाले हैं। पहली ऐसी खबरें हैं जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई हैं। ये खबर क्या है? यूरोपीय यूनियन को भारत का साथ तो चाहिए, भारत से उसे इम्पोर्ट तो करना है, लेकिन वो बढ़ते हुए भारत को नहीं दे सकता। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने 253,788% का पंप और 253,788% पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं बाकी साल के मुकाबले, और ये यूरोपीय यूनियन को किए हैं। इसके ज़रिए भारत ने बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाया है। इससे यूरोपीय यूनियन में ये दिक्कत आ गई है कि रसिया पे हमने सैंक्शन लगाया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने इतना सारा कच्चा तेल वहाँ से खरीदा और रिफाइन करके हमें बेच दिया। ये सोचने वाली बात है, और हम लोगों के सैंक्शन का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगली और खबर, भारत की एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे 19 देश अपना रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ अब रसिया, अमेरिका और फ्रांस उतर चुके हैं। UPI साल 2016 में आई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से विदेशों में भी फैलनी शुरू हुई, और अब भारत से अलग 19 कंट्रीज़ में UPI चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ये कहा है कि UPI का ये बढ़ती हुई चीज़ देखकर हमारे यहाँ के जो पुराने पेमेंट सिस्टम है जिसमें वीजा और मास्टर कार्ड हैं, इन कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक ऐसी ही स्टेटमेंट फ्रांस ने दी है कि हमारी कंपनियों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहीं पर रूस ने ये कहा है कि हमें सैंक्शन लगे हुए हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं है UPI के अलावा, क्योंकि UPI में रुपया का पेमेंट भी होता है, और भारत ने UPI के थ्रू रुपये को आगे किया है जो कि भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्टॉक है। इसी चीज़ को देखते हुए भारत के खिलाफ ये तीनों कंट्री उतर आई हैं, लेकिन भारत पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दूसरे देश की GDP को खाती है, दूसरे देश की कंपनियों को खाती है, और चाइना की सरकार अपने यहाँ की कंपनियों को पैसा देकर, सब्सिडी देकर विदेशों में सस्ता माल एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करती है, और जब वहाँ की कंपनियाँ ख़त्म हो जाती है तब धीरे धीरे रेट बढ़ाती है। इस चीज़ को समझ चुकी हैं यूरोप के कई सारे देश, और अब को बता दें कि आज भी चाइना EV के सेक्टर में बहुत आगे है और दुनिया में अपनी EV बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस चीज़ को कुछ यूरोपीय कंट्रियों ने समझा और उन्होंने चाइना से आई हुई EV पर 50% से भी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिससे चाइनीज़ कंपनी वहाँ की कंपनियों को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं दे पाएंगी, उनसे सस्ता माल नहीं बेच पाएंगी। ऐसे में वहाँ की कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने पहले से ये चीज़ समझी और चाइना की चाल को समझकर उसे लात मारी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।